हाय एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान ट्यूटोरियल। दोस्तों, अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा था अनुच्छेद 168, जिसमें राज्यों के विधानमंडल की व्यवस्था की गई थी, और अनुच्छेद 170 में देखा था कि राज्यों के विधानमंडल की संरचना कैसी होगी। अब आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 172 में है राज्य विधानमंडलों की अवधि, क्या अवधि होगी इसकी, इन सब चीज़ों का ब्यौरा दिया गया है अनुच्छेद 172 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 173, इसमें राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए कुछ योग्यताएं दी गई हैं। तो 173 में राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता। नेक्स्ट है अनुच्छेद 174, इसमें है राज्य विधायिका का सत्र, सत्रावसान और राज्य विधायिका का विघटन। तो 174 में है इसका सत्र क्या होगा, सत्रावसान कब होगा और इसका विघटन कब होगा, वह अनुच्छेद 174 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 178, इसमें है विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर्स की कुछ जानकारी अनुच्छेद 178 में वर्णित की गई है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 194, इसमें महाधिवक्ता की शक्तियां हैं और कुछ उसके विशेषाधिकार और प्रतिरोधक क्षमताएं हैं, जो कि अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया था। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 200, इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल द्वारा बिल की स्वीकृति, राज्यपाल बिल को स्वीकृत करता है या अस्वीकृत करता है, इन सब की जानकारी अनुच्छेद 200 में है। नेक्स्ट अनुच्छेद 202, इसमें राज्य विधानमंडल का वार्षिक वित्तीय विवरण है, अर्थात कह सकते हैं राज्य बजट है। वही जो केंद्र का बजट था वो 112A में था, वैसे 112 में वित्तीय बजट था और 112A में बजट था। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 210, इसमें है राज्य विधानमंडल में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा, अनुच्छेद 210 में है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 212, इसमें है न्यायालयों के राज्य विधानमंडल की कार्यवाही के बारे में पूछताछ करने का अधिकार नहीं है, स्पष्ट मेंशन किया गया है, न्यायालयों को राज्य विधानमंडल की कार्यवाही के बारे में पूछताछ करने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 213, इसमें है राज्य विधानमंडल के अवकाश में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्तियां, एक प्रकार से अध्यादेश ही है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 214, इसमें है राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों की व्यवस्था की गई है, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई थी सेंट्रल के लिए, उसी प्रकार से हाई कोर्ट होगा राज्यों के लिए। नेक्स्ट है अनुच्छेद 217, इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रमुख शर्तें बताई गई हैं। अनुच्छेद 217 में जो अपनी न्यायालय होगा, हाई कोर्ट होंगे, उसके न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रमुख शर्तें बताई गई हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 226, इसमें उच्च न्यायालयों की रिट जारी करने की प्रमुख शक्तियों का वर्णन किया गया। नेक्स्ट है अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक के आर्टिकल्स हैं, ये भाग 8 में आते हैं, और भाग 8 में है संघ व राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र है। तो जो 239 है, इसमें दिल्ली के संबंध में कुछ विशेष उपबंध बताए गए हैं। अगला है 243B, इम्पोर्टेंट है, इसमें पंचायतों का गठन है। वैसे जो अनुच्छेद 40 था उसमें भी ये सब चीज़ों की डिटेल थी, पंचायतों के बारे में बताया गया था, लेकिन ये एक स्पेशल अलग से भाग है, जो कि है भाग 9 पंचायतों के नाम से है। तो 243B में है पंचायतों का गठन, वहीं 243C में है पंचायतों की संरचना। नेक्स्ट 243G में है पंचायतों की जिम्मेदारियां,
शक्तियां एवं उनके अधिकार। नेक्स्ट है अनुच्छेद 243 के, इसमें पंचायतों का जो चुनाव होगा उसके बारे में बताया गया। नेक्स्ट है अनुच्छेद 249, इसमें राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की प्रमुख शक्तियों का उल्लेख किया गया। अगला है अनुच्छेद 262, इसमें अंतरराज्यीय नदियों एवं नदी घाटियों के बारे में पानी से संबंधित जो प्रमुख विवाद होंगे उनका जो अधिनिर्णय होता है उन सब का उल्लेख अनुच्छेद 262 में किया गया। नेक्स्ट है अनुच्छेद 263, इसमें अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में कुछ प्रबंध बताए गए हैं, उनके संबंधों के जो प्रबंध होते हैं उनकी जानकारी अनुच्छेद 263 में बताई गई। अगला है अनुच्छेद 265, इसमें कानून के प्राधिकार के बारे में, इसमें कानून के प्राधिकार के बिना करों का अध्यारोपण ना किया जाए, ये सब चीज़ें अनुच्छेद 265 में बताई गई हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 275, इसमें कुछ राज्यों को संघ से जो प्रमुख अनुदान मिलते हैं उनके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 280, इसमें है वित्त आयोग की स्थापना। नेक्स्ट है अनुच्छेद 300, इसमें वाद और कार्यवाहियाँ हैं, तो अनुच्छेद 300 में है वाद और कार्यवाहियाँ। अब आगे है अनुच्छेद 300A, इसमें विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित ना किया जाना, अर्थात संपत्ति का अधिकार है। मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में कि जो अनुच्छेद 31 है इसमें पहले हमारा एक मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जो कि संविधान के संशोधन 1978 में जो 44वां संशोधन हुआ था तो वो संपत्ति के अधिकार को हटाकर इसे एक सिर्फ कानूनी अधिकार बना दिया गया था जिसे 300A में रखा गया था। ये वही चीज़ है, जो 300A है इसमें विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 311, इसमें संघ या किसी राज्य के अधीन सिविल क्षमताओं में कार्यरत व्यक्तियों के रैंक में कमी या बर्खास्तगी आदि प्रमुख उल्लेख अनुच्छेद 311 में किए गए हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 312, जो कि भाग 14 का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है, अखिल भारतीय सेवाएं। 312 में है अखिल भारतीय सेवाएं, जितनी भी प्रशासनिक सेवाएं हैं उनके बारे में यहाँ पर उल्लेख किया गया। नेक्स्ट है अनुच्छेद 315, इसमें संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रमुख उल्लेख किया गया। नेक्स्ट है अनुच्छेद 320, इसमें लोक सेवा आयोगों के प्रमुख कार्य बताए गए हैं। अगला है अनुच्छेद 323A, इसमें प्रशासनिक न्यायाधिकरण का प्रमुख उल्लेख है। नेक्स्ट है बहुत इम्पोर्टेंट 324, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, संविधान के भाग 17 में आता है, सॉरी भाग 15 में आता है, क्या है निर्वाचन, इलेक्शन, तो वही है निर्वाचन के अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित किया जाना, अर्थात निर्वाचन से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियों का उल्लेख 324 में किया गया है, जो कि जो भाग 15 है वो 324 से लेकर 329 तक है। नेक्स्ट है भाग अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 330 में है
लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आवंटन, अनुच्छेद 330 जो कि भाग 16 जिसका विषय है कुछ वर्गों के संबंध में विषय का उपबंध में एसटी और एससी की जो लोकसभा सीटें हैं इनके आरक्षण का इस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है। वहीं अनुच्छेद 335 में है सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रमुख दावे, जो कि अनुच्छेद 335 में है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद 352 जो कि संविधान के भाग 18 में है। भाग 18 क्या बोलता है? आपात उपबंध, जो 352 से लेकर 360 तक है। तो ये तीनों इम्पोर्टेंट हैं, 352, 356 और 360। 352 में है आपात की उद्घोषणा अर्थात राष्ट्रीय आपात। वहीं 356 है राज्यों में संवैधानिक मशीनरी की विफलता अर्थात राज्यपाल यदि यह कहते हैं कि यहाँ पर संघ की विफलता आ गई है अर्थात प्रॉपर तरीके से संवैधानिक तंत्र काम करने में असफल है, तो वहां पर अनुच्छेद 356 अर्थात राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। तो आप सिर्फ इतने याद रखेंगे अनुच्छेद 356 में है राष्ट्रपति शासन। वहीं अनुच्छेद 360 में है वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध, जो वित्तीय आपातकाल है उसका उल्लेख अनुच्छेद 360 में किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 365, इसमें संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का जो प्रभाव होता है वहां पर अनुच्छेद 365 अर्थात एक प्रकार से यहां पर भी राष्ट्रपति शासन है। यदि संघ जो काम करने के लिए बोल रहा है राज्य उस तरह से काम कर नहीं पा रहा या करने में असफल है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू होगा, यह हमारा अनुच्छेद 365 कहता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 368 बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि संविधान के भाग 20 में है। संविधान का भाग 20 कहता है संविधान संशोधन अर्थात संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और इसकी प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 368 में किया गया। वहीं अनुच्छेद 370 ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी प्रावधान, ये अनुच्छेद 370 में है जिसे हाल ही में समाप्त कर दिया गया है, जो कि जम्मू कश्मीर के बारे में था। अब सबसे लास्ट है अनुच्छेद 395, इसे आप कमेंट से बताएंगे संविधान का जो मूल संविधान का भाग 395 है वो क्या कहता है, इसे आप हमें कमेंट्स के माध्यम से दें। ओके, धन्यवाद।